संजीता शेखावत हूँ और वर्किंग वुमन हूँ। मैं टीचिंग जॉब में हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। लाइफ का बहुत भाग दौड़ वाली है, बच्चे हैं छोटे, बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ। फिर एक दिन पता चला कि ब्रेस्ट में लम्स है। We were just having a dinner and she immediately told me कि इसको थोड़ा सा कुछ लम्प जैसा महसूस हो रहा है ब्रेस्ट में। तो मैंने बड़ा लाइटली लिया, मैंने कहा ठीक। फिर दो तीन दिन बाद मैं वंस अगेन शी टोल्ड मी नहीं, ये लंग थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं। चेक करवाया तो पॉजिटिव निकला, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर निकला। तो ऐसा लगा जैसे लाइफ में एक स्पीड ब्रेकर आ गया एकदम से। मैं बहुत रोने लगी, हस्बैंड भी मेरे बहुत इमोशनल हो गए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है लड़ेंगे, बीमारी के साथ में लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छा बुरा, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमारे हाथ में तो इसका इलाज कराना है। दूसरे दिन फिर हम लोग हॉस्पिटल और सर्जन ढूंढने में लग गए कि सबसे बेस्ट कौन होगा। तो मणिपाल हॉस्पिटल और वहाँ के सर्जन के बारे में सुना, विजय यादव सर से काउंसलिंग हुई, उसके बाद उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट रिमूव होगा तभी सब कुछ सही रहेगा। मैं घबराई हुई थी, काफ़ी रोई। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, इसी से लाइफ ख़त्म नहीं होती, यही अपने लिए सब कुछ नहीं है। My wife was not at all convinced कि मैं कम्प्लीटली मैसेक्टमी के लिए नहीं जाऊंगी, बिकॉज शी वॉज मच वरीड अबाउट हर फिजिकल ब्यूटी। जो एक सबसे बड़ा एक उपयोग हो सकता है इस ऑर्गन का, वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग। तो बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि अब फीडिंग वाला कंपोनेंट तो चला ही गया है, तो अब फ़र्क कहाँ पड़ता है। तो अब जो चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो है टू सेव योर लाइफ, एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट मैटर। इन्होंने जब समझाया तब फिर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि नहीं, मुझे रिमूव करवा लेना है। ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन, 3-4 दिन बाद इनको छुट्टी दे दी गई। सर्जरी के बाद फिर एक महीना में स्कूल नहीं गई, एक महीने में घर पर ही रही। तो स्कूल के स्टाफ ने भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मुझे सब लोग देखने आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर कीमोथेरेपी से, कीमो से मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने पड़े हुए थे। दीपक शुक्ला सर ने मेरा कीमोथेरेपी की, दीपक शुक्ला सर ने भी मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, उन्होंने वो हमेशा मेरी काउंसलिंग करते थे। फिर एक या दो कीमो के बाद बाल चले गए, फिर बाल निकलने के बाद वो सारा गंजापन जो था उसको देख के मेरे को आज भी आंसू आ जाते सोच कर। निकल गए, फिर धीरे धीरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने किया, फ्रेंड्स ने किया कि कोई नहीं, बाल निकल गए तो क्या हुआ, हम लोग विग लाएंगे, स्टाइलिश विग लाएंगे, मेरी फ्रेंड्स कहती थी अब तो आपको हम स्टाइलिश बनाएंगे। फिर रेडिएशन के लिए पूनम गोयल हैं डॉक्टर, बहुत अच्छी हैं वो भी। वो तो हर बार मैं जाती थी, 15 दिन तक मैं हॉस्पिटल गई तो मैं जाती थी तो 15-20 मिनट तक मेरी इतनी अच्छी काउंसलिंग करती थी, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं पूनम गोयल भी। फिर इसने अपने स्कूल जाना शुरू किया, अपने रिज्यूम, अपने नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम करना शुरू किया। उसका रीज़न यही था कि बिजी रहना चाहती थी, ये कहते ही नहीं चाहती थी कि कैंसर इस पे हावी हो जाए, रैदर ये कैंसर पे हावी रहना चाहती थी ताकि ये पॉजिटिविटी के साथ में अपने पूरे जीवन को रूटीन में जी सके। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी लाइफ वापस पहले जैसी भाग दौड़ वाली हो गई है, पर बस ये है कि अब मैं अपनी भी केयर करती हूँ, पहले केयर नहीं करती थी अपनी, अब मैं अपनी भी केयर करती हूँ। और मेरी जो हॉबीज़ हैं, गार्डनिंग है, पेंटिंग है, अब मैं उन पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। गार्डनिंग करने में अपना मन लगाती हूँ, पेंटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पेंटिंग करती हूँ तो स्ट्रेस लेवल मेरा कम होता है पेंटिंग्स में। तो अभी सब सही है, लाइफ वापस पहले जैसी चल रही है। आप सबसे भी यही कहूँगी कि ये इससे घबराएं नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ें, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। 7-8 महीने थोड़ा हमें झेलना पड़ता है हम लोगों को सारी चीज़ें, लेकिन हम वापस वैसे पहले जैसे हो जाते हैं अगर हम इसको पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते रहें तो। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मणिपाल हॉस्पिटल और उसकी टीम को, उनके डॉक्टर्स को, जिसने इतने बड़े और गंभीर रोग से हमें, मेरी वाइफ को, ना सिर्फ रोग से बट एक उस मानसिक तनाव से, उस डिप्रेशन से, उस एक ऐसे थॉट से जिस आदमी, जिससे ये लगता है कि इंसान अब चला जाएगा, अभी ये मतलब इट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, मतलब ये रोग हो गया, मतलब इट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, अब कुछ नहीं बचा है,
एक ऐसे थॉट जिससे आदमी अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पाता है। मुझे लगता है वो जो काउंसलिंग सेशंस जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किए, उन काउंसलिंग सेशंस ने उन दवाइयों से कहीं ज़्यादा इफेक्टिवली काम किया। तो मैं इसके लिए हॉस्पिटल को जेन्युइनली बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। एंड आई एम अ फुल्ली सेटिस्फाइड अटेंडेंट ऑफ माई पेशेंट।